राजधानी दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर संसद भवन की सुरक्षा में चूक का मामला। संसद भवन की सुरक्षा में चूक का मामला, गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया। गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया है, जहां पर जांच समिति का गठन भी गृह मंत्रालय की ओर से किया गया। सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह करेंगे इसकी अध्यक्षता। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ हुए शामिल। जांच समिति सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी। खामियों की पहचान और आगे की कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। जांच समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर संसद भवन की सुरक्षा में हुए चूक के मामले पर गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया है। बता दें कि बीते दिन संसद में कुछ लोग घुस गए थे बाहर से, जिन्होंने वहां की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन लोगों का घुसना और वहां पर इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं संसद की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से एक जांच समिति भी गठन की गई है, जहां जांच समिति सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी। आपको बता दें कि संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्रालय ने जांच समिति एक गठित की है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इस घटना का जांच का आदेश दिया है, जहां पर सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। साथ ही इसमें सुरक्षा एजेंसी और एक्सपर्ट भी शामिल हैं। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य भी शामिल हैं। वहीं जांच समिति सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच की जाएगी। खामियों की पहचान और आगे की कार्रवाई की भी सिफारिश करी जाएगी। जांच समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। संसद भवन की सुरक्षा में हुए चूक का मामला। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय ने जांच समिति का आदेश दिया है।